बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जनवरी 2021 इंग्लिश क्लास 9 ओल्ड में हम एक्सरसाइजेस करेंगे लेसन नंबर 4 और 5 की। तो यूनिट नंबर 4 और 5 की एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले आप पेज नंबर 35 पर आएँ, यहाँ मौजूद ग्लॉसरी, यूनिट 4 पेज नंबर 35 पर मौजूद जो ग्लॉसरी है उसको देखते हैं। पेरिलस, पुरखतर, वेंचर, बेड़ा उठाना, अंडरटेक, फ्यूरियसली, गज़बनाक तौर पर, रिफ्यूज, पनाह, इंस्टेंटली, फौरन, कांस्टेंट, मुस्तकिल, डिटेक्ट, पकड़ना, राइप, पुख्ता, रिवील, जाहिर करना। आइए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 पर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेबल्स बताएं कि इन वर्ड्स के कितने कितने सिलेबल हैं। एक्सरसाइज ए को देखें, पोलिटिकली इसके 4 सिलेबल्स हैं, पॉलिश इसके 2 सिलेबल हैं, पोलका 2 सिलेबल्स, पोल मोनोसिलेबिक, पोलन बाईसिलेबिक, यानी इसके 2 सिलेबल्स हैं। आइए स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 39 पर हैं, यहाँ पर बताया गया है कि एक्सरसाइज डी में कि टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दी सेंटेंसेस इज एनाफोरिक आर कैटाफोरिक। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 में जो सेंटेंस है इसका रेफरेंस एनाफोरिक है, नंबर 2 में जो सेंटेंस है इसका रेफरेंस कैटाफोरिक है, नंबर 3 में जो सेंटेंस दिया गया है इसका रेफरेंस है एनाफोरिक, 4 में कैटाफोरिक, 5 में एनाफोरिक, नंबर 6 में कैटाफोरिक और नंबर 7 में अगेन कैटाफोरिक रेफरेंस दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड कैटाफोरिक एंड एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू द अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस। आइए स्टूडेंट्स, लेसन नंबर अपना पेज नंबर 40 पर आ जाएँ, यहाँ वोकेबलरी दी गई है और इनके करेक्ट मीनिंग सेलेक्ट करने हैं। एमसीक्यू उसकी शक्ल में हमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 1 दुरुस्त ऑप्शन है। वर्ड दिया गया डेलिकेट, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सेंसिटिव। नंबर 2 पर वायलेंटली, इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्सफुली। नंबर 3 पर इनफ्यूरिएटेड, करेक्ट ऑप्शन है एनरेज्ड। नंबर 4 में स्टेडफास्ट, और इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्म एंड रेजोल्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आइए पेज 41, यहाँ मौजूद ग्रामर के टॉपिक में आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, इस पेज पर मौजूद दिए गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। देखें, पेशेंस और वैलर ये 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन अल्फाज से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। जैसे पहला वर्ड दिया गया करीजियस, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो करीज है। एम्प्टी से एम्प्टीनेस, डिफिकल्ट डिफिकल्टी, जेनरस जेनरोसिटी, रेजोल्यूट रेजोल्यूशन और सफर सफरिंग। डियर स्टूडेंट्स, नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है सी, इसमें उसने बताया है कि इसमें आर्टिकल पुट करें। आपको बताता चलूं कि 3 अल्फाज, 3 हरूफ ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं, वो हमने यहाँ लगाने हैं। पहले में ट्रीज़ आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए कैनाल, कैनाल से पहले ए लगाएंगे। 2 और 3 में कोई आर्टिकल नहीं आता। नंबर 4 में है द हायर यू गो द कूलर इट इज़। 5 में ही इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। नंबर 7 में द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अलीजे इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। नाउ कम ऑन पेज 42, यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज प्रेपोजिशंस के बारे में। तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम्स दी गई हैं इन, एट, ऑन। डियर स्टूडेंट्स, इन जो है हम
महीनों के साथ, साल के साथ, सीजन्स के साथ, दिन के किसी भी हिस्से के साथ, कोई हिस्सा मखसूस हिस्सा ड्यूरेशन के साथ लगाती हैं। ऐड जो है ये भी दिन के हिस्से के साथ लगता है, टाइम ऑफ द डे के साथ लगता है, किसी सेलिब्रेशन के साथ और फिक्स फ्रेज के साथ लगता है। ऑन जो है ये डेज ऑफ वीक्स के साथ, डेट के साथ, स्पेशल हॉलीडेज के साथ लगता है। आइए एक्सरसाइज करते हैं। पेज 42 पर मौजूद ई एक्सरसाइज को देखें, जिसमें माइग्रेटेड फ्रॉम प्रीपोजिशन क्या होगी, फ्रॉम अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, ये फ्रेज है, फिक्स फ्रेज। ही बिगैन नॉकिंग एट द डोर, एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर, शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, शी गेव अवे ऑल द मनी, गेव अवे तकसीम कर दी, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ स्टूडेंट्स, नीचे दिया गया है कि एक्सरसाइज एफ में फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। तो पहला है अली इज़ अराइविंग ऑन जनवरी 26, ये तारीख है, इसके साथ ऑन लगाया, और 2 o'clock ये टाइम है तो एट लगाएंगे। बी में आएगा ऑन फ्राइडे, सी में है इन 1995, डी में एट 9 AM, ई में इन द इवनिंग, और एफ में ऑन सितंबर 11, और जी में इन समर। नाउ स्टूडेंट्स, आप पे लेसन नंबर 5 यानी यूनिट नंबर 5 की तरफ आए। ये पोएम है डैफोडिल्स, आपने इसकी समरी बहुत अच्छी तरह से याद करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार करने हैं। आपके होमवर्क में लेसन नंबर 4 और 5 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलती है। पेज 52 की तरफ है, यहाँ ग्लॉसरी दी गई है। फ्लुटरिंग, झूमते हुए, गली, खुशी, होस्ट, हजूम, जोकंड, खुशकुन, ट्विंकल, चमकना, और पेंसिव, गमगीन, सॉलिट्यूड, तन्हाई। नाउ कम ऑन पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हमने बताना है कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है, जिसमें मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, और सिमिली और इमेजरी के बारे में बताना है। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज़ मनी, एक्सरसाइज डी, टाइम इज़ मनी, ये मेटाफर है। और एज़ बिजी एज अ बी, अगर कंपैरिजन एज और लाइक का इस्तेमाल किया गया कंपैरिजन में तो आप उसको सिमिली कहेंगे। द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, पर्सोनिफिकेशन है। एज जेंटल एज अ लैम, सिमिली। द सॉरी इंजन बीज इट्स डेथ कफ, पर्सोनिफिकेशन। द हार्ट ऑफ लाइन, मेटाफर। द एप्पल ऑफ माई आई, मेटाफर। एज कनिंग एज अ फॉक्स, सिमिली। ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग, पर्सोनिफिकेशन। एज वाइज एज एन आउल, सिमिली। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, मेटाफर। एज ब्लैक एज अ क्रो, सिमिली। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वोकैबुलरी दी गई है और उसमें एक्सरसाइज ए दी गई है, और इसमें हमने इनके सिनोनिम्स लिखने हैं मजीद, यानी हमें सा का ना लफ्ज़ दिया गया है, सा, ग्लास, गेज, इनके हमने सिनोनिम्स लिखने हैं। सा एस्पाई, ऑब्जर्व, स्टियर, शाइन के बनेंगे, शाइन, ट्विंकल और स्पार्कल के बनेंगे, फ्लैश, फ्लेयर और फ्लिकर। दे स्टूडेंट्स, कोनोटेशन के बारे में हमने बताना है। पेज नंबर 56 पर मौजूद एक्सरसाइज है, इसमें बताना है कोनोटेशन। कोनोटेशन दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी वर्ड्स के साथ जो हमारी फीलिंग्स एसोसिएट होती हैं वो कोनोटेशन कहलाती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, यानी फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड। जैसे गेज, ये पॉजिटिव कोनोटेशन है। स्टीयर, ये नेगेटिव है। शाइन पॉजिटिव, ग्लेयर नेगेटिव। होल्ड, जैसे ज़खीरा करना किसी चीज़ का, ये नेगेटिव है। कलेक्ट, जमा करना, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज है इसी पेज पर, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर दिया हुआ है कि कलेक्टिव नाउन आपने बताना है एक्सरसाइज ए में। अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, दिस विल बी कॉल्ड फ्लीट, इसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा, फ्लीट। अ कलेक्शन ऑफ कैटल, हर्ड। अ कलेक्शन ऑफ सिंगर, कॉयर या बैंड। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, आर्मी। लास्ट एक्सरसाइज यहाँ दी गई है, जो कि आज की एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज पेज 57 पर दी गई, एक्सरसाइज डी, यहाँ हमने कंजक्शंस लगानी है। तो कंजक्शन जो है ना दो किस्म के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसमें हमने कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। नेक्स्ट है
excuse me, wait until I return, work hard lest you should fail, I did not come because you did not invite me, you will get prize if you deserve it. तो ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज थी. आइए अब आप पेज नंबर 58 पर मौजूद जो एक्सरसाइज है उसका ताल्लुक है पार्टिसिपल्स से. तो आपने क्या करना है पार्टिसिपल्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पार्टिसिपल्स दो किस्म के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. जब हम आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एज एन एडजेक्टिव, ये दोनों बतौर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है. एक्सरसाइज एफ की तरफ देखें, इसमें मौजूद लव शॉक्ड सेंटेंस वन में ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हुआ. गैल्पिंग और स्केयर्ड, ये गैल्पिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और स्केयर्ड पास्ट पार्टिसिपल है. बर्नड ये पार्टिसिपल हो गया पास्ट पार्टिसिपल. फ्राइटेंड पास्ट पार्टिसिपल हो गया. कैरियंग और स्टोलन प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हो गए. एक्साइटेड और प्रिपेयरिंग ये फिर पार्टिसिपल्स हुए दोनों. बोर्ड ये भी पार्टिसिपल हुआ सेवन में. तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस लेसन नंबर 4 और 5 की. डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेज जो हमने रिवाइज की हैं समझ आ गई होंगी. अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं. आई विल अप्रिशिएट योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. अस्सलामु अलैकुम.